ये दशा है गोपियों की, इस प्रकार का अलौकिक भाव। ऐसे पहले से ही गोविंद में, गोकुलेंद्र में इनका वाक्य शरीर और मन लगा हुआ था। शरीर लगा हुआ था मतलब भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी, और वाणी से कृष्ण का ही वर्णन करते थे। मन में कृष्ण बसे थे पहले से ही, और विरह के समय तो और अधिक वो बात हो गई। और इसके बाद जब कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजम जाते, जब कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए, तब तो त्यक्त लौकिका, लौकिक व्यवहार सब भूल गया इनका। इनको ये ध्यान नहीं रहा कि हम किसके सामने क्या बोल रही हैं, क्या बात बोल रही हैं और किसके पास बोल रही हैं। देह की सुधि रही नहीं बिल्कुल, त्यक्त लौकिका, क्योंकि गत हिरिया, उनकी लाज चली गई। भगवान में मन लगा था, भगवान में शरीर लगा था, भगवान में वाणी लगी थी, और ये हालत हो गई। श्रीपद बल्भाचार्य जी लिखते हैं, कृष्ण दूत के आने पर गोपियों की ये दशा हुई, कृष्ण के आने पर क्या होगा। कृष्ण से इतना प्रेम था, किस तरह से संसार को भूल जाती थी, केवल कृष्ण याद रहते थे, और कृष्ण सेवा के लिए ही शरीर का संचालन करते थे। उनके हाथ, उनके पैर, आंखें आदि देखने से पता लगता था कि कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कृष्ण जैसा बांसुरी बजा रही हैं। इसको गतव वाक्काय मानसा कहते हैं। उनका मन, उनकी वाणी और उनका शरीर कृष्ण में गत, कृष्ण में चला गया, कृष्णमय हो गया था। तो जब दूत के आने पर ये दशा हो रही है, तो स्वयं श्री कृष्ण आ जाए तो क्या दशा होगी, तो कहा नहीं जा सकता। गायन्त्यः प्रियकर्माणि, और उद्धव जी के सामने ही ये सब बात बोलती हैं, और प्रियतम श्याम सुंदर को गाने लगे, उनके प्रिय कर्म को, गोपियों को जो प्रिय कर्म है, अथवा अपने प्रियस्य श्री कृष्णस्य कर्माणि, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गोवर्धन धारण आदि लीलाओं को गाने लगी। उद्धव जी तो ये देख रहे थे सब, वे उद्धव जी को भी भूल गए कि कौन आया है कौन गया है, भगवान की लीलाएं गाने लगी। यही उनका स्वभाव है, गायन्तः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहृयः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बालयोः तस्य श्रीकृष्णस्य यानि कैशोर बालयोः तानि संस्मृत्य संस्मृत्य। श्री कृष्ण ने बचपन में जो जो लीलाएं किया था और किशोर अवस्था में जो जो लीलाएं किया था, उन लीलाओं को संस्मृत्य संस्मृत्य याद कर कर के गाने लगे, गा रही है। तो ये प्रश्न होता है, क्या इनको लज्जा नहीं आई है? नहीं, गोपियों के साथ भी जो भगवान ने लीलाएं किया था, माखन चोरी आदि, इन सबको गा रही है, क्योंकि गत हृदय, इनकी लाज चली गई थी। स्त्री के लिए लज्जा एक स्वाभाविक चीज है, लज्जा ही भूषण है, लेकिन लाज चली गई बिल्कुल, गाने लगी और रुदत्यश्च, और फुट फुट करके रोने लगे, रो रही हैं, गा रही हैं। और बचपन में जो श्री कृष्ण ने किया था, उखल बंधन आदि लीला, ये सब गा रही हैं। बचपन की बातें याद रहे, किशोर अवस्था की, यदि किशोर अवस्था केवल कहा जाता है तो उससे कामोपाधिक प्रेम प्रकट होता है। भाई कोई युवक, जब युवक हो जा, कोई बच्चा युवक हो जाता है तो उससे कोई लड़की प्रेम करती है, तो उसका जो प्रेम और स्नेह है वो कामोपाधिक है, काम ही उसके में कारण है। उसकी सुंदरता, रसिकता आदि की बात गाय गाएगी, लेकिन बचपन की बातें गाने लगी, इसका अर्थ है कि गोपियों का प्रेम बाल्य अवस्था से ही है, श्री कृष्ण बच्चा थे तभी से वो प्रेम है, तो उसमें काम वासना कहाँ है। गोपियों में काम तो कभी नहीं है, लेकिन ये सब बातें सिद्ध कर रहे हैं कि काम नहीं है। श्री कृष्ण जब उखल में बांधे गए थे, उखल घसीट रहे थे, बकैया चल रहे थे, उन सब लीलाओं को गा रही हैं, बिल्कुल अपने बकैया चलते थे उस समय की लीलाएं भी गा रही, ये गा रही। तो इससे यह सिद्ध है, इसे स्थापित है कि गोपियों में कामोपाधिक प्रेम नहीं था।
विशुद्ध प्रेम था, काम गंध शून्य प्रेम था। तो वे उसकी याद कर कर के गाने लगी और प्रियतम से बिछोह हुआ है इसलिए रोने लगी और लाज उनकी बिल्कुल चली गई थी। इस तरह से प्रियतम के गुण को गा रही हैं। तो हम लोग गोपियों के गाए हुए एक दो पद को गा रहे हैं। तो टाइम हो गया, दस मिनट टाइम है, कोई 31 पृष्ठ पर 43 श्लोक है। एक होरी लीला को गा रही हैं, पद है साधारण, भगवान श्री कृष्ण से ही कह रही है, उद्धव जी के सामने ये सब बातें बोल रही है, भूल गई है कि हम उद्धव जी के सामने हैं। खेलो मिली होरी ढोर केसर कमोरी फेंको, खेलो मिली होरी केसर भरी भरी झोरी लाज जिए में बिचारो ना, डारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, डारो सब मिली होरी ढोरो केसर कमोरी फेंको भरी भरी झोरी लाज जिए में बिचारो ना। हे प्रियतम श्याम सुंदर, आप सब मिल करके सखाओं के साथ होली खेलिए, होली खेलो है मिली होरी और ढेरों केसर कमोरी, और केसर घोर घोर करके बर्तन में बाल्टी आदि में वो डालिए, हम पर कोई बात नहीं है, और झोरी में भर भर करके अबीर फेंकिए, आप कुछ भी विचार मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, डालिए। लेकिन और ढारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, और रंग डालिए और चंग भी बजाइए, डफ बजाइए, सबको रिझाइए, सबको सरस बनाइए, शंक मत कीजिए। लेकिन एक विनती है आपसे, आप होली खूब खुल करके खेलिए। कहत तन्नी होरी कर जोरी हरिश्चंद प्यारे, हे हरिश्चंद प्यारे, कृष्ण प्यारे, और हरिश्चंद कवि भी है इसके लिए, हम आपसे निहोरा निहोर करके कहते हैं, निहोरा करते हैं, मेरी एक विनती है, इसको टालिए मत। आपका मुख चंद्रमा है और आप जब अबीर आँख में डाल देते हैं, गुलाल आँख में लगा देते हैं तो देख नहीं पाती हैं हम,
तो आँख में अबीर मत डालिए जिससे आपको देखने में बाधा ना पड़े। नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट। हमारे नयन चकोर हैं और आपका मुख चंद्र है। गुलाल डालने से आँख में, आँखें बंद हो जाती हैं, इसको निकालना पड़ता है और आपके मुख को देखने में बाधा आ जाती है। तो कृपा करके याते मन इसलिए इन आँखी न गुलाल लाल डारो ना। लाल का अर्थ है हे लाल जी, हे श्याम सुंदर अथवा लाल गुलाल। नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट। याते न आँखिन गुलाल लाल डारो ना, इसी से मिलता जुलता एक और पद है उसको भी हम गा लेते हैं। कहाँ है उसका भाव ये है कि राधा रानी बार बार धो रही हैं अपनी आँख, तो गुलाल तो निकल गया, लेकिन वे अपनी सखियों से कहती हैं धोई धोई हारी पद्मा कर तिहारी सौ, अब तो उपाय और उर्मे चढ़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखी न सो, कढ़ीगो अबीर पय अहीर को कढ़े नहीं। अबीर तो कढ़ गया निकल गया, लेकिन अहीर का लड़का नहीं निकल रहा। कितना भी धो रही हूँ धोने से थोड़े जाएगा, वो तो चित्त में चढ़ चुका है। अबीर धो करके निकाल दी लेकिन अहीर का नहीं निकला। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखी न सो, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन कढ़ी गया वीर पया हीर को कढ़े नहीं। कढ़ी गया वीर पया हीर को कढ़। एक पद में है उसका सुर लाइन इधर मिल नहीं रहा है, तो किसी दिन इसको गाया जाएगा। तो इस प्रकार से उद्धव जी के सामने गाने लगी, रोने लगी, जैसे लगता है भगवान सामने हैं बिल्कुल। इस तरह से गोपियों का यह भाव है, भगवान श्री कृष्ण ही उनके मन में आँख में शरीर में वचन में बसे हुए हैं। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।